हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन दुनिया। तो जो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, और इसमें जितनी भी तरह की इवेल्यूशन आई कि कब माइक्रो कौन सा माइक्रो प्रोसेसर कब यूज़ किया हमने, हम उसके बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, ये एक तरह का कंट्रोलिंग यूनिट है, ठीक है। इट इज़ अ कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स एंड इट इज़ फैब्रिकेटेड ऑन अ स्मॉल चिप कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑपरेशन एंड कम्युनिकेटिंग विद द अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। इसका मतलब अगर हम समझें तो होता क्या कि एक तरह का कंट्रोल यूनिट होता है हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स में। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम एसी चलाते हैं, हर जगह आजकल माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है। एसी से लेके मोबाइल में, मोबाइल से लेके अगर हम देखें हमारे किचन होल्ड जैसे माइक्रोवेव ओवन, इन सब में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है। ये होता क्या है कि जनरली एक तरह का कंट्रोलिंग यूनिट होता है जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर को, यानी हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर इसको देखें, अगर ये देखें चिप होता है ये, जो कि क्या होता है कि फैब्रिकेटेड होता है, एक स्मॉल चिप होता है जो कि फैब्रिकेटेड होता है एनमॉस टेक्नोलॉजी से। एनमॉस टेक्नोलॉजी की अगर बात करिए तो एक तरह का सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम से ये बना होता है। जनरली केस में ये सिलिकॉन का यूज होता है, जैसे सेमीकंडक्टर जो है वो एक सिलिकॉन का यूज होता है इसमें, और बहुत ही रेयर केस में हम जर्मेनियम का यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ एन ALU, यानी इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होते हैं, रजिस्टर एरे होता है, एंड अ कंट्रोल यूनिट जो कि चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। ALU परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द डाटा रिसीव फ्रॉम द मेमोरी और एन इनपुट डिवाइसेस। यानी अर्थमेटिक ALU काम क्या होता है कि जितनी भी तरह के अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे जब भी हम डाटा रिसीव करते हैं हमारे मेमोरी से, तो जितनी भी तरह के अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, अर्थमेटिकल जैसे सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब, और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एंड गेट के लिए और गेट के फंक्शन को हमें करना है, इन सब का काम होता है जो हमारा ALU परफॉर्म करता है, ठीक है। रजिस्टर एरे कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर आइडेंटिफाइड बाई लेटर लाइक BC, DE, HL एंड एक्यूमलेटर्स A। जो हमारे रजिस्टर एरे होते हैं वो भले ही बहुत सारे देखा जाए, अगर हम 8085 के बारे में बात करें तो इसमें कितने होते हैं हमारे 7 रजिस्टर पेयर होते हैं, यानी रजिस्टर एरे होते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं BC, DE, HL एंड एक्यूमलेटर A, ठीक है। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विद इन अ कंप्यूटर। यानी कंट्रोल यूनिट क्या करता है, हमारे जो भी हमारे डाटा का और इंस्ट्रक्शन का जो फ्लो होता है हमारे कंप्यूटर में, वो कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि उसको कंट्रोल करके रखे, ठीक है। तो दोस्तों, हमने बात करी हुई माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कि जनरली होता क्या है, ये बेसिक नॉलेज है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। अगर हम बात करें कि अब ये वर्क कैसे करते हैं, हाउ डज माइक्रो प्रोसेसर वर्क, अब जाहिर सी बात है जब हमने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ा तो अब ये वर्क कैसे करेगा हमें ये भी जानना जरूरी है। माइक्रो प्रोसेसर फॉलोज अ सीक्वेंस, ये हमारा जो होता है एक सीक्वेंस को फॉलो करता है जिसमें फेच, सबसे पहले क्या करता है, ये फेच करता है, फिर हमारे इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर देता है। अब सपोज कीजिए कि हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया, हमारा कंप्यूटर जो है वो तो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, यानी हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया वो हाई लेवल लैंग्वेज में दिया, यानी जो हमारे लेवल जो हम जिसको हम समझ सकें उस हिसाब से हमने दिया। अब उसका काम क्या होता है, हमारे माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है, पहले उसको फेच करना, यानी उस इंस्ट्रक्शन को पहले वो फेच करेगा, बाइनरी के फॉर्म में लेके आएगा, फिर डिकोड करता है, डिकोडेशन होगा, फिर एग्जीक्यूट करता है कि हमने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। इनिशियली द इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन होता है हमारा वो स्टोर्ड होता है मेमोरी में एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, ताकि एक के बाद हम एक जो है हमारा कोई भी परफॉर्म जो हमारा ऑपरेशन है वो हम परफॉर्म कर सके, ठीक है। यानी एक तरह का हमारे सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमारा जो होता है स्टोर्ड होता है हमारा कहाँ पे, मेमोरी में। द माइक्रो प्रोसेसर फेचेस दोज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी देन डिकोड्स इट एंड एग्जीक्यूट दोज इंस्ट्रक्शन टिल स्टॉप इंस्ट्रक्शन इज रीच्ड। यानी जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो फेच करता है उन इंस्ट्रक्शन को हमारे मेमोरी से, फिर उसको डिकोड करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करवा देता है हमारे इंस्ट्रक्शन को, जब तक हम हमारे इस स्टॉप इंस्ट्रक्शन है वो जब तक ना पहुंच जाए तब तक ही हमारा इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो होता रहता है, ठीक है। लेटर इट सेंड्स द रिजल्ट्स इन बाइनरी टू द आउटपुट पोर्ट। बिटवीन दीज प्रोसेसेस द रजिस्टर स्टोर्स द टेम्पररी डाटा एंड ALU परफॉर्म्स द कंप्यूटिंग फंक्शन। यानी अगर हम देखें तो हमारा ये क्या करता है, जो हमारा रिजल्ट होता है वो बाइनरी आउटपुट पोर्ट पे हमारा सेंड कर देता है। इन दोनों के बाद इस
प्रोसेस में, इन प्रोसेसेस के बीच में जो हमारा रजिस्टर स्टोर होता है, यानी जो टेम्परेरी डाटा होता है वो हमारे कहाँ पे रजिस्टर, और ये जो एएलयू होता है वो हमारा क्या परफॉर्म करता है, कंप्यूटिंग फंक्शन। अगर देखें तो जो भी ये प्रोसेसेस हो रहे हैं, इस प्रोसेसेस के बीच में जो हमारा रजिस्टर क्या करता है, वो स्टोर कर लेता है हमारे टेम्परेरी डाटा को, और एएलयू क्या करता है, वो कंप्यूटिंग करता है, यानी जो भी तरीके की जितनी भी तरीके की कंप्यूटिंग फंक्शन होती है वो उनको परफॉर्म करवाता है। ठीक है, अगर मैं इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करूं, जो भी माइक्रो बेसिक एक माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंप्यूटर का होता है, वो कैसा होता है हमारे माइक्रो कंप्यूटर का, तीन तरह के होते हैं अगर हम बेसिक चीजों की बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले तीन चीजों पे कंसिस्ट होता है, हमारा इनपुट डिवाइस, फिर हमारा जो एक होता है जो हमारा जितनी भी तरीके की कंट्रोल फंक्शन करता है, जितनी भी तरीके के प्रोग्राम हो रहा है वो सब वो यही हो रहा है, एक होता है हमारा आउटपुट डिवाइस जहां पे हम आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस से हमने कोई भी इनपुट दिया, हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि सारी चीजों को कंट्रोल करता है, जिसमें एएलयू रजिस्टर एरिया और कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, और ये फिर हमारे जो भी फंक्शन इंस्ट्रक्शन है उसको आउटपुट डिवाइस पे सेंड कर देता है। ठीक है, अगर मैं फीचर्स की बात करूं माइक्रो प्रोसेसर की, अगर मैं फीचर्स को देखूं तो फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स आर अवेलेबल एट लो प्राइसेस एंड रिजल्ट्स इट्स लो कॉस्ट। साइज के बारे में बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ स्मॉल साइज चिप, हेंस इज इज पोर्टेबल, यानी हम एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट कर सकते हैं, मतलब इजिली हम इसको पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लो पावर कंजप्शन, मतलब माइक्रो प्रोसेसर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी विच हैज लो पावर कंजप्शन। ठीक है, वर्सटैलिटी, द माइक्रो प्रोसेसर्स आर वर्सटाइल एज वी कैन यूज द सेम चिप इन अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बाय कॉन्फिगरिंग द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, एंड इट इज रिलायबल ऑल्सो बिकॉज द फेलियर रेट ऑफ एन आईसी इन माइक्रो प्रोसेसर इज वेरी लो, हेंस इट इज रिलायबल। ठीक है, अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करूं तो कितने टाइप्स के होते हैं, ये डिपेंड करता है इन तीन चीज पे, साइज, माइक्रो प्रोसेसर का साइज क्या है, एप्लीकेशन, एंड स्पीड एंड बैंडविड्थ। ठीक है, अगर मैं साइज के बारे में बात करूं तो साइज में 4 बिट अवेलेबल है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट एंड 64 बिट, जो आजकल हम यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। ठीक है, अगर मैं इसके एप्लीकेशन की बात करूं, एप्लीकेशन में क्या होता है, ये तीन चीजों में डिवाइडेड होता है। जब भी हम अपने माइक्रो प्रोसेसर यानी हम देखेंगे तो इसमें हम बात करेंगे स्पेशल पर्पस रजिस्टर के बारे में, जनरल पर्पस के बारे में, और माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में। ठीक है, ये तो बाद की बात है, हमने अपने वीडियोस में इन तीन चीज को भी एक्सप्लेन कर रखा है, सो गो थ्रू दिस वीडियो। एंड उसके बारे में बात करें, अगर हम स्पीड एंड बैंडविड्थ के बारे में बात करें तो ये दो चीजों में डिवाइडेड होता है, रिस्क एंड सिस्क। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 4 बिट के, तो 4 बिट में होता था इंटेल 4004, जिसके अंदर 2300 ट्रांजिस्टर्स होते थे, और ये 4 बिट का होता था। इंटेल 8008, जिसके अंदर 3500 ट्रांजिस्टर्स होते थे, और ये भी हमारा 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, इंटेल 8085 जो कि 8 बिट का एग्जाम्पल है, इंटेल 8086 जिसमें 29,000 ट्रांजिस्टर्स होते थे, और ये 16 बिट का होता था। अगर हम बात करें इंटेल 80486 के, तो इसमें 12 लाख ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इंटेल पेंटियम 3, 1, 2, 3 काफी सारे आते हैं, तो हम 3 के जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें 93 लाख ट्रांजिस्टर्स अवेलेबल होते थे। अगर मैं बात करूं आपके इवोल्यूशन के बारे में कि माइक्रो प्रोसेसर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो स्टार्टिंग हुई थी हमारी इंटेल 4004 से, जिसके अंदर 2300 ट्रांजिस्टर्स होते थे, और ये कब हुआ था, ये 1971 में इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, फिर आया था इंटेल 8008, जिसके अंदर 3500 ट्रांजिस्टर्स अवेलेबल होते थे। ठीक है, और ये हमारा 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता था। ठीक है, फिर आया हमारा इंटेल 8080, जिसके अंदर 4000 ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ। फिर आया Zilog Z80, जिसके अंदर 6000 ट्रांजिस्टर्स का यूज किया हमने। फिर उसको रिप्लेस किया M6800, जिसके अंदर हमने 8500 ट्रांजिस्टर्स का यूज होता था। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं इवोल्यूशन की, कब कब कौन सा प्रोसेसर आया हमारे पास। ठीक है, फिर इसको रिप्लेस किया हमारे
इंटेल 8085 ने, जिसके अंदर ये हमारा 8 बिट का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, हमारे हमने इसको फर्दर डिवाइड कर रखा है, हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है हमारे 8085 में। अगर हम अगर आप हमारे चैनल पे जाके देखिए तो हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें इंटेल 8085 भी है। फिर इसको रिप्लेस किया इंटेल के ही 8086 ने, जिसके अंदर 29,000 ट्रांजिस्टर्स अवेलेबल थे और ये 16 बिट का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। फिर इसको रिप्लेस किया गया M68000 ने, जिसके अंदर 68,000 ट्रांजिस्टर्स थे। फिर आया हमारा Z8000। ठीक है, फिर आया हमारे पास इंटेल का 80386, जिसके अंदर 2,75,000 ट्रांजिस्टर्स चिप्स थे। ठीक है, फिर M68020, उसके बाद आया इंटेल का ही 80486, जिसके अंदर 12 लाख यानी 12 लाख ट्रांजिस्टर्स अवेलेबल थे। फिर आया इंटेल का पेंटियम, ठीक है, पेंटियम वन जिसको हम कह सकते हैं, पेंटियम आया था पहले, तो उस जिसके अंदर 31 लाख ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ। फिर आया इंटेल का पेंटियम टू आया था, जिसके अंदर हमने 71 लाख का ट्रांजिस्टर्स 71 लाख ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे। फिर आया था इंटेल का पेंटियम थ्री, जिसके अंदर 95 लाख ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आया i3 प्रोसेसर, i5, i7, i9, जो कि आने वाला है, अपग्रेडेशन वर्जन है। ठीक है, ये सारे इवोल्यूशन थे कि कब कब कौन सा हमारे पास कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आया और इसके अंदर कितनी ट्रांजिस्टर्स का यूज कितनी ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या समझ नहीं आया। ठीक है, हमने अपने इसके नोट्स जो है अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और हमारी ये informationdunia.com जो कि हमारा साइट है, इस पर भी अवेलेबल है, जिसका हमने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक यू।